वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। CAA और NRC को लेकर देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सब के बीच एक और शब्द चर्चा में है और उस पर भी विवाद हो रहा है। यह शब्द है NPR। इसी पर बातचीत के लिए मोदी सरकार ने 24 दिसंबर यानी आज एक कैबिनेट बैठक बुलाई, जिसमें NCR को अपडेट करने के लिए सहमति बनी। इस बीच AIIM चीफ ओवैसी ने NPR को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार NPR के माध्यम से NRC लागू करने की तैयारी में। उधर पश्चिम बंगाल व केरल सरकार भी NPR का विरोध कर रही है। आखिर ये NPR है क्या? इससे लोगों पर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? कैसे काम करेगा? ये NRC व CAA से जुड़ा हुआ है या अलग है? जानते हैं इस वीडियो में। NPR फुल फॉर्म नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, हिंदी में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई रजिस्टर है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या दर्ज होगी। आप बिल्कुल सही समझे, NPR के तहत देश के हर नागरिक को अपना नाम इस रजिस्टर में दर्ज कराना अनिवार्य होगा। मोदी सरकार ने इस पर कैबिनेट की बैठक की और जनगणना के लिए 8,754 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूर किया। वहीं NPR के लिए 3941 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव कर दिया। मीटिंग के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और NPR से संबंधित तमाम उलझनों को सुलझाने की कोशिश भी की। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, NPR में किसी कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें बायोमेट्रिक देने की भी जरूरत नहीं है। NPR का फायदा सही लोगों को मिलेगा। अभी तक अंग्रेजों के जमाने की जनगणना होती थी, लेकिन अब हम ऐप के जरिए जनगणना करेंगे। आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना की जाएगी। ये जनगणना ऐप के जरिए की जाएगी। ऐप में दी गई जानकारी को सही माना जाएगा। सभी राज्यों ने NPR को स्वीकार किया। अब सवाल उठता है कि जब NRC और CAA लाने की बात हो रही है, तो NPR की क्या जरूरत है? दरअसल NPR में देश में रहने वाले हर व्यक्ति का बायोमेट्रिक डेटा होगा। मतलब हर व्यक्ति की 15 जानकारियां, जैसे व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति या पत्नी का नाम, लिंग, जन्म स्थान, नागरिकता, वर्तमान पता, पते पर रहने की अवधि, स्थायी पता, पेशा और एजुकेशन। साथ ही लोगों की फोटो, फिंगरप्रिंट और रेटिना की जानकारी भी ली जाएगी, लेकिन ये जानकारी आप खुद ऐप में दर्ज कराएंगे। कोई भी आपसे किसी भी तरीके की डिटेल लेने नहीं आएगा। ऐसे में NPR में नागरिकता से संबंधित जो भी जानकारियां होंगी, ये स्वघोषित यानी खुद से बताई गई होंगी। इसे व्यक्ति की नागरिकता का पुख्ता सबूत नहीं माना जाएगा। सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट के होम पेज पर नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजंस का लिंक है। इसमें NPR का जिक्र है। इसके मुताबिक NPR का उद्देश्य देश में रहने वाले हर शख्स की पहचान का डेटाबेस तैयार करना है। इसके लिए लोगों की भौगोलिक व शरीर से जुड़ी बाहरी और भीतरी जानकारी रखी जाएगी। अब आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि जब नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा, तो रजिस्टर का फायदा क्या? दरअसल इस रजिस्टर के माध्यम से सरकार देश में मौजूद हर व्यक्ति के बारे में जान पाएगी। साल 2010 में पहली बार NPR बनाने की शुरुआत हुई थी। इसका NRC व CAA से कोई ताल्लुक नहीं है। NRC से देश में अवैध रूप से रहने वाले लोगों की पहचान की जाएगी, वहीं NPR में 6 महीने या उससे ज़्यादा वक्त तक किसी एक जगह पर रहने वाले व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देश में हर 10 साल बाद जनगणना होती है, जिसे अब ऐप के माध्यम से किया जाएगा। NPR बनाने से सरकार व आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? आपको क्या लगता है, क्या यह देश के लिए ज़रूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके आधार पर हम नया वीडियो तैयार करेंगे। देश दुनिया से जुड़े और भी वीडियो देखने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।